Hello, this one is memory based question. According to this question, in an exam there are 4 marks for correct answer and minus 1 marks for incorrect answer. A attempt 18 and B attempt 13 and score equal marks. What is the difference, the number of their incorrect question? यहाँ से हमें इनमें difference बताना है किसने कितने question कम attempt किए हैं इनके questions में incorrect questions का. So यहाँ से अगर हम देखें 18 A ने टोटल 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और बी ने टोटल 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और दोनों ने सेम नंबर लिए हैं और करेक्ट आंसर के हमें 4 नंबर मिल रहा है और इनकरेक्ट के हमें माइनस 1 हो रहा है. सो यहाँ से अगर हम मान के चले ए ने 14 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए लाइक ए के करेक्ट ऑप्शन हमारे पास 14 है और बी ने 13 अटेम्प्ट किया 13 के 13 ही करेक्ट है. ये हो सकता है बी ने 13 करेक्ट किए हैं तो दोनों के यहाँ से इसमें मार्क्स का डिफरेंस कितना है 4 मार्क्स का डिफरेंस आएगा क्योंकि एक करेक्ट आंसर पे हमें प्लस 4 मिल रहा है. सो यहाँ से एक क्वेश्चन इसने ज़्यादा अटेम्प्ट किया सो इसका प्लस 4 का डिफरेंस हो गया ये प्लस 4 से आगे चल रहा है. बट यहाँ से इसने टोटल 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया 14 करेक्ट हो गया तो इनकरेक्ट कितने हुए इनकरेक्ट बाकी बचे हुए जो 4 क्वेश्चन हैं हम मान सकते हैं यहाँ से टोटल इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने हो गए इसने टोटल 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए. अगर 4 क्वेश्चन इनकरेक्ट किए तो माइनस 1 के हिसाब से इसके कितने हो गए माइनस 4 सो प्लस 4 माइनस 4 इक्वल हो गए 0. सो ओवरऑल दोनों के मार्क्स बराबर हो गए. सो यहाँ से हम कह सकते हैं इनके डिफरेंस हमें बताना है सो इनमें कितने क्वेश्चन का डिफरेंस होगा यहाँ से हमारा ऑप्शन 4 जो कह रहा है वो करेक्ट आंसर होगा. थैंक यू.